हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालाकुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन, प्लांट में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन के माध्यम से जीवों के सेल्स में होने वाली समस्त वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, किसके द्वारा? रेस्पिरेशन के द्वारा। इसके द्वारा सेल्स में उपस्थित फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन होता है तथा CO2 एवं H2O का फॉर्मेशन होता है एवं एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक जैविक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। फिर देखते हैं डेफिनेशन कि रेस्पिरेशन होता क्या है, किसे कहते हैं। रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जैसे कि स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, ये हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है। इनका ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण ये टूट जाते हैं और क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, जो कि ATP के रूप में स्टोर कर ली जाती है तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ATP के फॉर्म में किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, इसमें ठीक है +38 ADP + 38 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनाता है, CO6 CO2 + 12 H2O + 38 ATP। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका हिस्ट्री। रेस्पिरेशन को चिन्हित करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, क्रूक को, 1615 को। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जीवन श्वसन के बिना क्या है, असंभव है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पहले एनिमल से संबंधित माना जाता था कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो सिर्फ एनिमल्स में ही होते हैं, प्लांट में नहीं होता है। ठीक है, सीले 1777 ने फर्स्ट टाइम प्रमाणित किया कि सीड्स में रेस्पिरेशन के क्रम में ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ा जाता है। पाश्चर 1817 ने माना कि रेस्पिरेशन की तरह की क्रिया जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तथा उसके क्रम में जो इन प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल बनता है, जो ठीक है, जो कि सेल्स के बाहर संपादित होने के कारण फर्मेंटेशन के नाम से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसी तरह की क्रिया सेल्स के अंदर होती है तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, पफेन 1900 ने एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में रेस्पिरेशन की पहली अवस्था समान होती है तथा पायरुविक एसिड बनता है इसको प्रमाणित किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी एपरेटस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन की जितनी भी प्रोसेस होती है वो किस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेन्स के अंदर होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी वायवी श्वसन करने वाले यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाने वाला ऑर्गेनेल्स है या रेस्पिरेटरी एपरेटस या श्वसन उपकरण होता है। ठीक है, इसे सर्वप्रथम कोलिकर 1815 ने देखा था, फ्लेमिंग 1882 ने इनका अवलोकन कर इसे क्या नाम दिया था, फिलिया नाम दिया था। ऑल्टमैन 1819 ने इसे देखा एवं बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, बेंडा 1897-98 ने इसका विस्तृत अध्ययन किया और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया।
इन्हें प्लास्टोसोम्स, प्लाज्मोसोम्स, वर्मिक्यूल्स, बायोप्लास्ट और कॉन्डियोसोम्स आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका स्टेनिंग जेनस ग्रीन बी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, साइज देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 0.3 माइक्रो से 40 माइक्रो तक होती है, जबकि व्यास जो है इसका 0.2 माइक्रोम से 2 माइक्रोम तक होता है। सेक देखते हैं इसका, माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः फिलामेंटस अथवा ग्रैन्यूलर होता है। कुछ वेजिटेटिव सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिरा कैसा दिखाई देता है हमको, क्लब्ड शेप्ड का दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्रत्येक प्रकार की सेल्स में भिन्न भिन्न होती है। मेटाबॉलिक सेल्स में इनकी संख्या क्या है, अधिक होती है। लीवर सेल्स में इनकी संख्या 500 से 1600, कैओस में 50,000, सियर्चिन के एग में इनकी संख्या 140,000 से 150,000 तक होती है। ठीक है, प्लांट सेल्स में इनकी संख्या अपेक्षाकृत जो है वो कम होती है। फिर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया थर्मस फ्लास्क के समान आउटर और इनर मेम्ब्रेन से डबल मेम्ब्रेन वाली संरचना के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम थिक यूनिट मेम्ब्रेन के रूप में होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की दूरी कितनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। आउटर एवं इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसमें बहुत से कोएंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रियल में दो चैम्बर होते हैं, एक तो हमारा आउटर चैम्बर और दूसरा होता है हमारा इनर चैम्बर। सबसे पहले देखते हैं आउटर चैम्बर, इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर भी कहते हैं। यह आउटर एवं इनर मेम्ब्रेन के मध्य उपस्थित 60 से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा चैम्बर है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन कोएंजाइम एवं विद्युत अवघट्य भरे रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनर चैम्बर, इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, यह मध्यस्थ कैविटी है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य भाग में होती है। इसमें एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, या होमोजीनस लिक्विड के रूप में होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए के 2 से 6 मॉलिक्यूल्स, 70S टाइप के राइबोसोम्स, टीआरएनए, एमआरएनए और डीएनए पॉलीमरेज एवं प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रिस्टी है जो हमको उंगली नुमा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने पर ज्ञात होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन तथा क्रिस्टी पर विशेष प्रकार के सूक्ष्म कण चिपके रहते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये F1 पार्टिकल 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर पाए जाते हैं। प्रत्येक F1 कण की लंबाई 160 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये हमारा क्या है, F1 पार्टिकल है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, F1 पार्टिकल है। F1 कण 3 भागों का बना होता है, बेस इसका व्यास होता है 80 एंगस्ट्रॉम होता है, सेकंड है स्टॉल्क और पेडिकल। ठीक है, इसकी लंबाई 50 एंगस्ट्रॉम तथा चौड़ाई 33 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसका हेड होता है, इसका व्यास है 80 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये हमारा हेड है 80 एंगस्ट्रॉम, ये इसका टाल है और ये इसका बेस है। ठीक है, प्रत्येक F1 कण प्रोटीन कॉर्टेक्स तथा फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। इन F1 पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन संवहन एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स या ETP भी कहते हैं। ठीक है,
रेकन 1967 के अनुसार एफ1 पार्टिकल्स में एटीपेस या एटीपी सिंथेटेस एंजाइम्स भी पाया जाता है, जो कि ऑक्सीडेशन एवं फॉस्फोरिलेशन से संबंधित होता है। ठीक है, फिर देखते हैं बायोलॉजी एनर्जी करेंसी एटीपी। जैव रासायनिक दृष्टि से श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के समय ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल तथा एडीपी एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के 38 मॉलिक्यूल का यूज होता है। ठीक है, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, H2O के 6 मॉलिक्यूल एवं ATP के टोटल 38 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, ATP में ही सोलर एनर्जी बॉन्ड एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहता है। फॉस्फेट बॉन्ड में हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, जिनके अपघटन से रिलीज एनर्जी ही जैविक क्रियाओं के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, ATP एनर्जी से परिपूर्ण यौगिक होता है, जो कि सेलुलर एनर्जी रिलीजिंग तथा एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन के मध्य लिंक की तरह कार्य करता है। ठीक है, ATP जो है वो एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड नामक यौगिक का ट्राइफॉस्फेटिक एस्टर होता है। ठीक है, यह एडिनोसिन नामक एक प्यूरिन मॉलिक्यूल्स, एक पेंटोज सुगर अर्थात राइबोस और फॉस्फोरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स के संयुग्मन के फलस्वरूप बनने वाला यौगिक होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइबोस ग्रुप, ये एडिनोसिन और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन के क्रम में सर्वप्रथम एडिनोसिन जो है वो राइबोस से मिलकर क्या बनाता है, एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल्स के संयुग्मन से क्या बनता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है। ठीक है, या उसको हम AMP भी कहते हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ADP ATP बनता है। ठीक है, तीनों यौगिक ATP ADP एवं AMP में राइबोस का CH2OS ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के फॉस्फेट समूह के साथ एस्टर लिंक बनाता है। ठीक है, ATP का यूज या उसका कार्य क्या होता है उसको देखते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, सिंथेसिस ऑफ फैट्स प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट में, साइक्लोसिस में, बायो ल्यूमिनोसेंस में, सेल डिवीजन में और ग्रोथ में क्या होता है, ATP का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। यह वह रेस्पिरेशन है जिसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ठीक है, या ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में हो जाता है। ठीक है, इस रेस्पिरेशन में अत्यधिक मात्रा में एनर्जी जो है वो 637 किलो कैलोरी या 38 ATP जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, इस प्रकार का श्वसन करने वाले जीवों को एरोब्स कहते हैं। इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं, C6H12O6+6O2 = क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और 38 ATP या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो रिलीज होती है, बनती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। वह श्वसन है जिसमें फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, इनकम्प्लीट फॉर्म से कार्बन डाइऑक्साइड और सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कि एथिल अल्कोहल, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड या लैक्टिक एसिड में हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया
के फलस्वरूप अपेक्षाकृत बहुत कम ऊर्जा 21 किलो कैलोरी या 2 ATP उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार के श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन देखते हैं, C6H2O6 से क्या बनता है, एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 21 किलो कैलोरी या 2 ATP ऊर्जा जो है वो बनती है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पहला है हमारा कंप्लीट एनारोब्स, दूसरा है पार्शियल और फैकल्टेटिव एनारोब्स। सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट एनारोब्स। इस प्रकार के जीव हमेशा अनाक्सी श्वसन ही करते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, आंत में पाए जाने वाले गोल कृमि, फीता कृमि एवं टर्माइटों के आंत कैसे होते हैं, पारासाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल और फैकल्टेटिव एनारोब्स। इस प्रकार के जीव ऑक्सी श्वसन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने पर या अनुपस्थित होने पर ये जीव अनाक्सी श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अतः ये जीव दोनों स्थितियों में श्वसन करते हैं, एरोब्स और एनारोब्स दोनों में, जैसे कि ईस्ट, केचुआ, काकरोच, कुछ जलीय जंतु और विकसित पौधों के अंकुरण करती बीज की सेल्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, पार्शियल या फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फिर देखते हैं श्वसन भागफल या श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। ठीक है, इसे कहते हैं श्वसन क्रिया के दौरान निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रहण की गई ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक या श्वसन अनुपात कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। ठीक है, आर क्यू का मान ज्ञात करके श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, श्वसन भागफल का मान श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले श्वसन पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान हम किसके द्वारा नापते हैं, रेस्पायरोमीटर के द्वारा। देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल कितना होता है। सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन भागफल हमेशा एक ही होता है, क्योंकि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का आर क्यू कितना होता है, 1 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं फैट्स, ऑयल और प्रोटीन। श्वसन क्रिया में जब फैटी एसिड्स भाग लेते हैं या फैट मटेरियल भाग लेता है, ठीक है, तो इनमें हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कैसे होती है, बहुत कम होती है और आर क्यू 1 से कम होता है। इसका कारण यह है कि श्वसन में ली गई ऑक्सीजन वसी पदार्थों का ऑक्सीडेशन करके फैटी एसिड का फॉर्मेशन करती है, जिसके ऑक्सीडेशन के लिए अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए श्वसन के दौरान अधिक ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण इसका आर क्यू कितना होता है, 1 से कम होता है, मतलब कि 0.7 यूनिट। ठीक है, फिर प्रोटीन देखते हैं। श्वसन से जब अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे कि दालों के बीज का प्रयोग किया जाता है, तब आर क्यू 1 से कम होता है, क्योंकि इन पदार्थों में ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन की अपेक्षा कैसे होती है, कम होती है। ठीक है, अर्थात इनके ऑक्सीडेशन की अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और बदले में कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, इसलिए इसका आर क्यू कितना होता है, 0.8 से 0.9 होता है। नेक्स्ट देखते हैं आर क्यू ऑफ स्कुलेटन प्लांट्स एंड रेड लीव्स, मांसल पौधों एवं लाल पत्तियों युक्त पौधों का आर क्यू। मांसल पौधों एवं लाल पत्तियों में फैट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तथा इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसका आर क्यू कैसे होता है, 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बनिक अम्लों का आर क्यू। जब श्वसन में कार्बनिक अम्ल का
ऑक्सीडेशन होता है तो आर क्यू का मान इकाई से अधिक होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि कार्बनिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और इन्हें ऑक्सीकृत करने के लिए बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, उदाहरण के लिए मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसलिए इसका जो आर क्यू होता है वो इकाई से अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनाक्सी श्वसन की स्थिति में आर क्यू का मान। अनाक्सी श्वसन की स्थिति में ईस्ट सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, और एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और आर क्यू का मान एक से अधिक या अनंत होता है। ठीक है, ये क्या था हमारा श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल।